तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। तो आप आज इस वीडियो में देखने वाले हैं एक बड़ा ट्रक और जेसीबी का धमाल। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा गेम होने वाला है, तो आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर ट्रक गाड़ी आ चुका है जो कि अपना स्टैंड दिखा रहे हैं। उसके बाद यहाँ से इसके बाद हम दूसरा ट्रैक्टर को लाएंगे। उसके बाद उस ट्रैक्टर पर जाने के बाद हम वहां पर से जेसीबी को लाएंगे। यहां पर हम पहले ट्रैक्टर को अपने जगह पर स्थित कर देते हैं। तो यहां से हम ट्रैक्टर को ले जाएंगे इसके अपने जगह पर, जो कि इसका जगह होगा कोई ख़ास जगह। यहां से अब आने के बाद हम कुछ और देखते हैं। यहाँ पर से हम दूसरा ट्रैक्टर ला लेंगे। उसके बाद उस ट्रैक्टर को हम जेसीबी में बदल देंगे। तो जेसीबी में बदलने के लिए हमको यहाँ पर फिर ट्रक पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर से हम जो भी गाड़ी लेना होगा तो यहाँ पर हम ट्रक को जेसीबी को चूज कर लेंगे। जेसीबी को चुनने के बाद यहाँ पर जेसीबी आ चुका है। तो जेसीबी का कमाल भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो जेसीबी को हम इसके सही जगह पर लगा रहे हैं ताकि जो भी कंक्रीट रॉक्स गिरेगा तो डायरेक्ट ट्रॉली में आएगा, नहीं तो अगर जेसीबी इधर से उधर देगा तो जेसीबी के आगे में रॉक्स गिरेगा जो कि फिर उठाकर ट्रक में लोड करना होगा। तो हम इससे लोड करने से बचने के लिए तो हम क्या करेंगे, जेसीबी को ट्रक के सीधा में ला लेंगे और रॉक्स को गिराएंगे, जो कि सीधा रॉक्स जो होंगे सभी के सभी यहां पर ट्रॉली में गिर जाएंगे। तो यहां पर हम पहले इसका जगह चेक कर लेते हैं कि गिरेगा या नहीं गिरेगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं मॉडिफिकेशन, यहां पर देख रहे हैं आप स्पॉन रॉक्स। तो हम यहां पर रॉक्स को नीचे गिरा दिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से रॉक्स जो है वो ट्रॉली में गिर चुका है। तो यहाँ पर से देखिए हम इसे हटा देते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर जेसीबी से चारों ओर इसका चेक कर लेते हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ का दिक्कत है। तो यहाँ पर देखिए जेसीबी को हम पीछे कर लेते हैं, यहाँ से देखते हैं कि इसमें कितना ईंट भरेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं थोड़ा सा खाली दिख रहा है, तो ज़्यादा कुछ तो नहीं करेंगे, कुछ पत्थर को उठाकर इसमें लोड करने का काम करेंगे। तो देखिए यहाँ से हम कुछ पत्थर को उठा लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि ट्रॉली में आप लोग देखेंगे कि इसे किस तरह से हम लोड करते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ पत्थर को उठा रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से एक जेसीबी का नज़ारा असली जेसीबी की तरह लग रहा है। ऊपर जा रहा है बम्पर। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से ज़्यादा पत्थर नहीं आया लेकिन दो गो पत्थर आया है। तो इसी को हमें किसी तरह से इस पर लोड करना होगा। तो यहाँ पर देखें कि हमको पहले गाड़ी को इसके सीधा में ले जाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम गाड़ी को बैक करके उसके सीधा में लाएँगे ताकि लोड करने में थोड़ा सा आसानी होगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं गाड़ी से हम बहुत ही ज़्यादा पीछे आ चुके हैं, तो गाड़ी के पास जाना तो पड़ेगा ही। तो यहाँ पर हम गाड़ी के पास धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ थोड़ा सा लॉक से था साइड से जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो जेसीबी है वो ट्रॉली तक पहुँच चुका है। तो यहाँ पर जेसीबी का बॉकेट खाली करने का कोशिश करेंगे, जो कि नहीं हो रहा है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाला काम है, क्योंकि ट्रॉली का जो चारों बगल का डाला है वो बहुत ही ज़्यादा ऊंचा है जो कि हमको प्रॉब्लम कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए जेसीबी का मोड़ा भी उठ चुका है फिर भी रॉक्स नहीं गिरा है। तो किस तरह से रॉक्स गिर चुका है, तो हम यहाँ पर से जेसीबी को नीचे उतार लेते हैं, उसके बाद पीछे कर लेते हैं। उसके बाद हम जाएँगे किसी डंपर को, कहीं पर हमको खाली करना है। तो वह जगह है वो बगल में आपको साइड में गड्ढा दिख रहा होगा, उसी गड्ढा में इसी रॉक्स को खाली करना है। तो हम यहाँ पर चारों तरफ घूम लेते हैं। ये जो बगल में दिखाई दे रहा है ये एक फार्मिंग गेम है जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन गेम है। तो यहाँ पर देखिए हम चारों तरफ घूम लेते हैं, इसके बाद जाएंगे उस गड्ढा के पास। पीछे में जो गड्ढा दिख रहा है वहीं पर हमको जाना है। तो हम ये खेत का चारों ओर एक बार चक्कर लगा लेते हैं। तो इस रोड पर से हम देखिए इस रोड पर आ गए हैं। तो इसके बाद देख सकते हैं उसके बाद आगे से हम घूम कर उसी जगह जाना है। तो गाड़ी का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो हम यहाँ पर गाड़ी के अंदर अभी बैठे हैं। तो देखिए इधर जाना है तो इधर ही चलते हैं। तो देखिए ये 3D गेम है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है गेम खेलने में। बगल में आम का पौधा भी आपको दिख रहा है। तो यहाँ से देखिए जेसीबी भी आगे में खड़ी है, तो जेसीबी के पीछे में वहाँ पर आपको गड्ढा दिख रहा है। तो इस पत्थर को उसी गड्ढा में खाली करना है। तो हम पहले इस ट्रक को उसी गड्ढे के पास लेकर जाएंगे। तो ये देखिए किस तरह से गड्ढा तक गाड़ी पहुँच चुका है। तो यहाँ से थोड़ा संभल कर खाली करना होगा, क्योंकि अगर गाड़ी खद्धा में चल जाएगा तो निकलता नहीं है जल्दी। तो इसलिए थोड़ा बच कर इस गाड़ी को खाली करना होगा। तो यहाँ से देख सकते हैं आप लोग गड्ढा के पास पहुँच चुके हैं। बहुत ही बेहतरीन गेम है, तो
तो यहाँ से देखिए हम थोड़ा सा बैक कर लेते हैं। ये जो अपडेट दिया गया है आप लोग, ये न्यू अपडेट दिया गया है जिसमें से हम इस डाला को खाली भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बैक करके हमको गड्ढा के पास किस तरह से ट्रक को ले जाना होगा, जो कि अभी गाड़ी बहुत गड्ढा के बहुत ही ज़्यादा दूर दिखाई दे रहा है। तो हमको गाड़ी को किसी तरह से गड्ढा के नज़दीक लेके जाना है ताकि एक बार खाली करें तो सारा रॉक जो है उस गड्ढे में आ जाए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किस तरह से पीछे जा कर रहे हैं। तो यहाँ से इतना ही करना है तो ताकि पीछे करेंगे तो फंस जाएगा। तो ये तो सही ही बात निकला, अभी तो ये फंस चुका है। तो देखते हैं कि क्या होता है, आगे करने का कोशिश करते हैं, पर नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं है। तो हम यहाँ पर से अब डाला को यहीं पर खाली करने का कोशिश करते हैं ताकि गाड़ी खाली होने के बाद निकल सकता है, तो इसलिए हम गाड़ी को खाली कर रहे हैं। यहाँ पर से देखिए इसे उठाना बहुत ही ज़्यादा आसान, ऊपर में दिख रहा होगा आपको हाइड्रोलिक अप, उस पर क्लिक करेंगे तो ये डंपर ऊपर जाता है, और यहाँ पर और उसके नीचे में हाइड्रोलिक डाउन, उससे नीचे करेंगे तो ये डंपर नीचे हो जाता है। तो देख सकते हैं डंपर कितना पूरा खाली हो चुका है। अब डंपर खाली होने के बाद इसे आगे करने का कोशिश करते हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ट्रक है वो फंस चुका है, बिल्कुल पूरी तरीके से फंस चुका है, जो कि निकलने का नाम नहीं ले रहा है। तो यहाँ पर हम अब लगता है कि हमको जेसीबी को लाना पड़ेगा, तो हम फिर डंपर को नीचे लाने का कोशिश करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि क्या होता है। तो हम यहाँ पर डंपर को नीचे ला लेते हैं, उसके बाद जेसीबी को लाकर जेसीबी से ट्रक का टोचन करेंगे, देखेंगे कि निकलता है कि नहीं निकलता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ट्रक है वो ड्रम पूरी तरीके से खाली हो चुका है। अब यहाँ से ये पूरा तरीके से नीचे आ चुका है, फिर भी खाली करने का कोशिश कर रहे हैं। तो खाली हो यहाँ पर से ये खाली हो चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं फिर इसे आगे करने का कोशिश करते हैं कि निकलता है कि नहीं निकलता है। उसके यहाँ पर देख रहे होंगे आप, डाला ओपन है, उसके बाद डाला क्लोज है। तो हम डाला को क्लोज कर लिए, उसके बाद जेसीबी को वहाँ पर लेकर जा रहे हैं कि जेसीबी से उस ट्रक का टोचन करेंगे। टोचन करने के बाद देखते हैं कि जेसीबी उस ट्रक को उस गड्ढे से निकाल पाता है कि नहीं निकाल पाता है। तो अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले वीडियो इसी तरह का आपको मिलता रहेगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं जो गाड़ी जो है जैसे भी उस डंपर के आगे पहुंच चुका है। तो यहां पर से आप देख सकते हैं कि किस तरह से पहुँच चुका है। यहाँ पर अब हमको किसी तरह इसका चैन लगाना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं वहाँ पर ऑफ का दिख रहा है, ऑन का, तो वहाँ पर हम इसको ऑन कर लिए। तो यहाँ पर से देख सकते हैं कि यहाँ पर अब जेसीबी में चैन लग चुका है। क्या आप देखते हैं कि जेसीबी ट्रक को खींच पाते हैं या नहीं खींच पाते हैं। तो यहाँ पर से हम ट्रक अपना जेसीबी अपना पूरा दम लगा चुका है, लेकिन ट्रक टसमस भी नहीं हो रहा है। फिर भी देखते हैं कि ट्रक भी अपना पूरा जोर लगा रहे हैं लेकिन हिल भी नहीं रहा है। यहाँ पर ट्रक ने भी अपना जोर लगा दिया, जेसीबी ने भी अपना पूरा जोर लगा दिया, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये जो डंपर है वो गड्ढे से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख